स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपको कैंटीन से व्हीकल परचेज करना सिखाऊंगा, साथ ही आपको बताऊंगा कैंटीन से व्हीकल परचेज करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और कैंटीन से व्हीकल परचेज करते समय आप 4 से 5 हज़ार रुपये कैसे बचा सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कैंटीन से व्हीकल खरीदने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल या पीसी में afd.csdindia.gov.in की वेबसाइट को ओपन करना है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वेबसाइट ओपन नहीं होगी, आप रात के समय या सुबह जल्दी वेबसाइट ओपन करके देख सकते हैं। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको अपनी आईडी से यहां पर लॉगिन करना है। अगर आपके पास में लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं है तो आप आई बटन पर क्लिक करके हमारी दूसरी वीडियो देखकर अपनी आईडी बना सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज खुल जाएगा, आपको यहां से नीचे स्क्रॉल करना है। यहां पर आपको फोर व्हीलर और टू व्हीलर के ऑप्शन दिख जाएंगे, आप इनमें से जो भी खरीदना चाहते हैं उस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। आप यहां सर्च के ऑप्शन से भी व्हीकल को सर्च कर सकते हैं। जैसे मुझे एक्टिवा स्कूटी खरीदनी है तो मैं यहां पर एक्टिवा सर्च करूँगा। सर्च करते ही हमारे सामने सर्च रिजल्ट आ जाएंगे। आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप जो व्हीकल सर्च करें वो व्हीकल आपको ना दिखाए, क्योंकि जब मंथ ख़त्म होता है तो व्हीकल की सेल बंद हो जाती है और जब अगला मंथ शुरू होता है तो मंथ के शुरू में सारी कंपनियां अपने व्हीकल के प्राइस CSD की वेबसाइट पर अपडेट करती हैं। जिस जिस व्हीकल का प्राइस कंपनी अपडेट करती जाती है वो व्हीकल आपको वेबसाइट पर दिखाना शुरू हो जाता है। इसलिए अगर आप महीने के शुरू में व्हीकल खरीद रहे हैं और जो व्हीकल आप खरीदना चाहते हैं वो व्हीकल वेबसाइट पर नहीं दिखा रहा है तो आप 2 से 3 दिन इंतज़ार करके वेबसाइट पर फिर से चेक कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आप जो मॉडल खरीदना चाहते हैं आपको उसको यहां से सेलेक्ट करना है और यहां ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा पेज खुल जाएगा, आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिख जाएंगे। आपको प्राइस जोन के ऑप्शन में स्टेट सेलेक्ट करना है जहाँ से आप व्हीकल खरीदना चाहते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर आपके सेलेक्ट किए गए स्टेट में जो जो डीलर हैं उनकी लिस्ट दिखा देगा। आप जिस डीलर से व्हीकल खरीदना चाहते हैं आपको उसको यहाँ से सेलेक्ट करना है। डीलर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ डिपो के ऑप्शन से अपने स्टेट के डिपो को सेलेक्ट करना है जहाँ से आप व्हीकल लेना चाहते हैं। डिपो के बाद आपको यहाँ URC के कॉलम में कैंटीन सेलेक्ट करनी है जिस कैंटीन से आप अपना सप्लाई ऑर्डर लेना चाहते हैं। सभी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ व्हीकल का प्राइस दिख जाएगा। ध्यान रहे ये जो व्हीकल का प्राइस यहाँ पर दिखा रहा है इसके अलावा भी शोरूम में आपको रोड टैक्स, इंश्योरेंस अमाउंट और एसेसरीज का अमाउंट देना पड़ता है। इसके बाद आपको यहाँ चेकआउट पर क्लिक करना है। चेकआउट करते ही आपके सामने ऐसा पॉपअप आ जाएगा। अगर आप लोन से व्हीकल खरीद रहे हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई गई डिटेल्स को नोट करना है, क्योंकि जब आप लोन से व्हीकल खरीदते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाए गए बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से इसको बंद कर देना है। बंद करते ही आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा, यहाँ पर आपको आपकी भरी हुई सभी डिटेल्स को चेक करना है। अगर आपकी डिटेल्स यहाँ सही नहीं है तो आप अपडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करके अपने डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। डिटेल्स चेक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको एड्रेस फॉर रजिस्ट्रेशन का कॉलम दिखाई देगा, आपको यहाँ अपने घर का एड्रेस भरना है जहाँ से आप व्हीकल ले रहे हैं। यहाँ पर आपको सिटी भरना है और यहाँ पर आपको अपने घर का पिन कोड भरना है। पिन कोड भरने के बाद आपको यहां से अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहां पे ये ऑप्शन दिखाई देगा, यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आपने CSD से पहले कभी सेम कैटेगरी में कोई व्हीकल खरीदा है या नहीं। सेम कैटेगरी यानी आप अभी टू व्हीलर ले रहे हैं और पहले भी आपने टू व्हीलर लिया है, या अभी आप फोर व्हीलर ले रहे हैं और पहले भी आपने फोर व्हीलर लिया है, तो आपको यहाँ यस सेलेक्ट करना है। अगर आपने पहले सेम कैटेगरी में कोई व्हीकल नहीं लिया है तो आपको यहाँ नो सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ से अपना पे लेवल चूज करना है। पे लेवल चूज करने के बाद आपको यहाँ अपने पैन कार्ड की फ़ोटो को अपलोड करना है। पैन कार्ड के बाद आपको यहाँ शोरूम से ली गई अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट को अपलोड करना है।
अगर आपका पैन कार्ड और अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट फोटो में अपलोड ना हो तो आप पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उसे अपलोड कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट कैसी दिखती है जानकारी के लिए आप अपनी स्क्रीन पर उसको देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ हैव यू टेकन लोन का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप लोन से व्हीकल खरीद रहे हैं तो आपको यहाँ यस सेलेक्ट करना है और यहाँ पर दिखाए गए ऑप्शंस में अपनी लोन की डिटेल्स को भरना है। लोन की डिटेल्स आप जहाँ से लोन ले रहे हैं वहाँ से आपको मिल जाएंगी। लोन की डिटेल्स भरने के बाद आपको यहाँ जनरेट डिमांड पर क्लिक करना है। अगर आपने व्हीकल खरीदने के लिए लोन नहीं लिया तो आपको इस ऑप्शन में नो सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ मोड ऑफ पेमेंट में ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट करना है। पेमेंट सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने पेमेंट मेथड्स आ जाएंगे। आप यहाँ से जिस ऑप्शन से पेमेंट करना चाहते हैं उसको चूज कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको 600 से 700 रुपए तक की कन्वीनियंस फीस एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, और अगर आप महंगी बाइक या गाड़ी खरीदते हैं तो आपको कन्वीनियंस फीस और भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसलिए हो सके तो आप नेट बैंकिंग या UPI से पेमेंट करें जिससे आपको कन्वीनियंस फीस नहीं देनी पड़े। अगर आप नेट बैंकिंग या UPI का पेमेंट मेथड चूज करते हैं तो आपको यहाँ अकाउंट होल्डर का नाम पूछा जाएगा और यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर पूछा जाएगा जिससे आप पेमेंट करेंगे। अकाउंट नंबर और नाम एंटर करने के बाद आपको इस चेकबॉक्स को टिक करना है कि आप अपने अकाउंट से ही पेमेंट कर रहे हैं। आपको केवल अपने अकाउंट से ही पेमेंट करनी है ताकि सप्लाई ऑर्डर रिलीज होने में कोई दिक्कत ना हो। सभी डिटेल्स भरने के बाद आपको यहाँ से अंडरटेकिंग के चेकबॉक्स को टिक करना है कि आपने जो भी डिटेल्स भरी हैं वो सही हैं, और यहाँ से जनरेट डिमांड पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ऐसा पेज खुल जाएगा। आपको यहाँ अपनी भरी हुई सभी डिटेल्स को फिर से चेक करना है और यहाँ सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट के बाद यहाँ से ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ऐसा पेज खुल जाएगा। आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भरना है और प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ से UPI मेथड या नेट बैंकिंग चूज करना है। आप फोन पे या गूगल पे जिससे पेमेंट करना चाहते हैं उसको चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ गूगल पे से पेमेंट करूँगा इसलिए यहाँ गूगल पे के ऑप्शन को चूज करूँगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी UPI ID एंटर करनी है या फिर आप यहाँ पर क्लिक करके QR कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आपको पे नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि UPI से पेमेंट करते समय कन्वीनियंस चार्ज और GST नहीं लग रहा है। अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करते तो आपको 600 से 700 रुपए का ये चार्ज देना पड़ता। यहाँ पर आपको कंटिन्यू एंड पे पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी UPI ऐप गूगल पे या फ़ोन पे जो आप चूज करेंगे उसमें पेमेंट की रिक्वेस्ट आएगी। आपको उस पर क्लिक करके पेमेंट करनी है। पेमेंट करते ही आपकी पेमेंट सक्सेसफुल दिखा देगा और आपके पास में डिमांड नंबर आ जाएगा। इसके बाद आपके सामने थैंक यू का पॉपअप आ जाएगा। आप यहां ओके पर क्लिक करके अपनी डिमांड का स्टेटस देख सकते हैं या फिर आप डिमांड का स्टेटस देखने के लिए मेन्यू में जाकर डिमांड्स में जा सकते हैं। आपका व्हीकल बुक हो गया है। अब बात करते हैं आगे के प्रोसेस की। शोरूम से व्हीकल लेने के लिए आपको क्या क्या करना है और शोरूम से व्हीकल लेते समय आप कहां कहां पर अपने रुपए बचा सकते हैं। व्हीकल बुक करने के बाद डिमांड्स में आपको व्हीकल की डिमांड दिखा देगा। आपको यहां पर स्टेटस में प्रोसेसिंग दिखेगा। व्हीकल बुक करने के बाद 2 से 3 वर्किंग दिनों में आपको यहां पर सप्लाई ऑर्डर रिलीज दिखा देगा। जैसे ही आपको यहां पर सप्लाई ऑर्डर रिलीज दिखाएगा आपको यहां समरी शीट पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करना है और इसका प्रिंटआउट ले लेना है। समरी शीट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद आपको उस कैंटीन में जाना है जिस कैंटीन से आपने व्हीकल बुक किया है। कैंटीन में जाते समय आपको अपने साथ में समरी शीट का प्रिंटआउट, अपना पैन कार्ड, अपना ग्रोसरी कार्ड और अपना ID कार्ड लेके जाना है। कैंटीन में आपकी डिटेल्स चेक करने के बाद आपको सप्लाई ऑर्डर दे दिया जाएगा।
सप्लाई ऑर्डर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ध्यान रहे, सप्लाई ऑर्डर लेने के लिए उसी व्यक्ति को जाना है जिसके नाम से कैंटीन कार्ड है, और साथ ही आप केवल ग्रोसरी कार्ड से ही व्हीकल खरीद सकते हैं। कैंटीन से व्हीकल लेने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, और आप 4 साल तक व्हीकल का रजिस्ट्रेशन किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सप्लाई ऑर्डर लेने के बाद आपने जिस शोरूम से व्हीकल बुक किया था आपको वहाँ पर जाना है। सप्लाई ऑर्डर के साथ आपको अपना एड्रेस प्रूफ भी लेके जाना है। शोरूम में आपसे रोड टैक्स, इंश्योरेंस अमाउंट और एसेसरीज का अमाउंट लिया जाएगा। अगर इसके अलावा आपसे कोई भी एक्स्ट्रा रुपीज मांगे जाते हैं तो आपको नहीं देने हैं, और शोरूम की कंप्लेंट कैंटीन में करनी है। बात करते हैं शोरूम में आप अपने पैसे कैसे बचा सकते हैं। शोरूम में जब आप व्हीकल लेने जाएं तो इंश्योरेंस आप शोरूम से ना करवाएं बल्कि खुद ही करें। अगर आपको नहीं पता कि आप नए व्हीकल का इंश्योरेंस कैसे कर सकते हैं तो आप किसी भी इंश्योरेंस वेबसाइट या ऐप को ओपन कर लें और वहाँ से बोट न्यू बाइक कार को चूज करें और अपने डिटेल्स भर दें। आपसे आपके व्हीकल का इंजन नंबर और चेसिस नंबर भी पूछा जाएगा। आप शोरूम से पता करके इंजन नंबर और चेसिस नंबर भर दें और आपके व्हीकल का इंश्योरेंस कर लें। व्हीकल के इंश्योरेंस में आप अपने 2000 रुपये तक बचा सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जब मैंने शोरूम से व्हीकल खरीदने का पूछा था तो शोरूम वालों ने मुझे इंश्योरेंस का अमाउंट 6,635 रुपये बताया था, और मैंने इंश्योरेंस खुद से किया तो केवल 4,608 रुपये में ही हो गया। मैंने शोरूम से स्कूटी खरीदी है, इसमें मैंने खुद इंश्योरेंस करके 2,000 रुपये बचा लिए। अगर आप इससे महंगी बाइक खरीदते हैं या फिर कार खरीदते हैं तो आप इससे ज़्यादा रुपये भी बचा पाएंगे। साथ ही अगर आप शोरूम से व्हीकल की एसेसरीज लेते हैं तो भी आपसे बहुत ज़्यादा रुपये लिए जाते हैं। वहीं आप बाहर से एसेसरीज परचेज करेंगे तो भी आप 1500 से 2000 रुपए आराम से बचा सकते हैं, इसलिए एसेसरीज भी आप बाहर से खरीदें। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।